चलिए इसी में आगे हम दो चीज और समझ लेते हैं। एक है विद्युतीकरण, विद्युतीकरण क्या है? विद्युतीकरण वह प्रक्रिया है, जिसमें घर्षण द्वारा आवेश किसी वस्तु में प्राप्त किया जाता है। अगर कोई वस्तु आवेशित हो रहा है तो वो उस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युतीकरण। अब एक पॉइंट और है जिसको बोलते हैं विद्युत सारणी। कभी कभार इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण करते हैं, तो बताइए किस पदार्थ पे धन आवेश आएगा और किस पदार्थ पे ऋण आवेश आएगा। तो उसको समझ लेते हैं। विद्युत सारणी क्या है? यह एक फेराडे, फेराडे यानी वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा एक बनाया हुआ सारणी है जिसमें ये पता चलता है कि किस पदार्थ पे धन आवेश आएगा और किस पदार्थ पे ऋण आवेश आएगा। तो इसमें कुछ उन्होंने लिस्ट दिया था, लगभग सारे सारे पदार्थों को दे दिया था। उसमें से कुछ देख लीजिए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। इसमें था कांच, फलालेन, ऊन, रेशम, धातु, रबर, मोम, प्लास्टिक। तो फेराडे ने ये कुछ पदार्थ दिए थे जिसमें कांच, फलालेन, ऊन, रेशम, धातु, रबर, मोम और प्लास्टिक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस पदार्थ पे धन आवेश आएगा और किस पदार्थ पे ऋण आवेश आएगा? तो उसके लिए उन्होंने एक ये इसलिए यही चार्ट इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो ऊपर वाले पदार्थ हैं, जितने ऊपर वाले पदार्थ को अगर नीचे वाले पदार्थ से घर्षण किया जाएगा तो ऊपर वाले पदार्थों में धन आवेश आता है और नीचे वाले पदार्थों में ऋण आवेश आता है। जैसे अगर हम कांच और प्लास्टिक को आपस में घर्षण करते हैं तो कांच पे धन आवेश आएगा और प्लास्टिक पे ऋण आवेश आएगा। अब मान लीजिए हम ऊन को किसी रबड़ से करते हैं तो ऊन में धन आवेश और रबड़ में क्या आएगा? ऋण आवेश। मतलब ऊपर के पदार्थों पे धन आवेश और नीचे के पदार्थों पर ऋण आवेश आता है। अगर ये चार्ट आपको याद हो जाएगा तो एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। कभी कभार बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए हम इनमें से कोई दो धातुओं को घर्षण करते हैं आपस में, तो बताइए किस धातु पे धन आवेश आएगा और किस धातु पे ऋण आवेश आएगा। तो ये सारा चीज़ आज का लेक्चर था। इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और कुछ नोट्स प्रोवाइड भी किया जा रहा है। धन्यवाद।